वेलकम दोस्तों, आज के स्टूडियो में आपका स्वागत है। और आज के स्टूडियो में मैं आपको सीधी बात बताने वाला हूँ, कोई टेक्निक या इस तरह की बात नहीं बताऊंगा कि आपका पेपर कैसे लिखे, आप अच्छी तरह से लिखे, ये सारी चीज़ें कुछ बताने वाला नहीं हूँ। आज के स्टूडियो में डायरेक्टली बताऊंगा कि आपको वही चीज़ करनी है और वही चीज़ आपके अप्लाइड मैकेनिक्स के पेपर में आने वाली है, ठीक है। आप जिस स्कीम के स्टूडेंट हो या फिर आई स्कीम के स्टूडेंट हो, दोनों स्टूडेंट के लिए जिसमें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको तीन चीज़ें करनी है, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो क्या करनी है और वो चीज़ें 100% प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करनी है। अगर आपका कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ या फिर एक दो चैप्टर ही हुआ है, आपको लगता है कि आप फेल हो जाएंगे, तो वो चीज़ आपको करनी है। सारा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, सिर्फ ये वीडियो पूरा देखना है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो 100% मेरी गारंटी है कि आपका अप्लाइड मैकेनिक्स का जो कल का पेपर है वो आप फेल नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहले एक चीज़ आपको करने की, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लेने हैं, ठीक है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है, ठीक है। तो आपको पहले सुन लेना है और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मैंने जो चीज़ें बताई वो कहाँ से मिल जाएगी। आप सबको ये चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले जी सुन लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास देखिए समर विंटर सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए, ठीक है। अलग अलग तरीके से कलेक्ट कर लिया है, जो 70 मार्क्स के पेपर या 100 मार्क्स के पेपर, दोनों पेपर मेरे पास है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए अभी देखिए यहाँ पर 70 मार्क्स का पेपर है, यहाँ पर एक PDF ओपन करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका 70 मार्क्स का, 3 घंटे का आपका पेपर होता है, ठीक है। सॉरी, तो देखिए यहाँ पर आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के पेपर में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो अटम एनी 5, मतलब कोई भी 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 2-2 मार्क्स की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आपको लिखनी है और अब फिर आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसमें से एक ही जो होता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें से कोई भी थियोरेटिकल 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी 2-2, 3-3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 3-3 मार्क के, ठीक है। छोटी छोटी डेफिनेशन होती है दोस्तों, तो 3 सॉल्व करेंगे तो 12 मतलब 12 प्लस 10 कितने 22 मार्क्स हो गए। तो 22 मार्क का मैं 100% आपको बताऊँगा कि 22 मार्क्स कैसे लाने, ठीक है। और साथ में आप अगर एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर देने वाला हूँ, तो वही क्वेश्चन पेपर में से जो न्यूमेरिकल है वो रिपीटेड आए वही उनका वो स्टडी करना है क्वेश्चन पेपर में से ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो डेफिनेशन है उनके आंसर आपको यहाँ पर कहाँ पर मिलेंगे, तो दोस्तों उसकी भी चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे पास मॉडल आंसर पेपर भी है, ठीक है। तो देखिए अभी जो क्वेश्चन पेपर दिखाई मैंने आपको, ठीक है, तो उस वही क्वेश्चन पेपर के मेरे पास इस तरह से यहाँ पर देखिए मॉडल आंसर पेपर है, ठीक है। तो मतलब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन था स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ठीक है। सॉरी, तो देखिए इस तरह से डेफिनेशन दिया हुआ है, कौन से कितने मार्क्स के लिए किस तरह से आपको दिखाना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया, उसी के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जितने क्वेश्चन पेपर है उतने सारे के मॉडल आंसर पेपर भी मेरे पास है। तो आपको क्या करना है, जो 2 मार्क्स की सारी डेफिनेशन है, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन पेपर में अलग अलग आई हुई है, रिपीटेड आई हुई है, ठीक है। 2-4 सिर्फ आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो 8-10 जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम, मतलब जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन हर एक पेपर में रिपीट होती है और आपके कल के पेपर में भी रिपीट होने वाली है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं और कुछ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर फिर फार्मूला नोट्स, तो फार्मूला नोट्स है मेरे पास। अभी आप स्टडी कर रहे होंगे तो आपके पास फार्मूला या किस तरह से स्टडी करना है कुछ चीज नहीं होगी आपके पास। तो आपको देखिए यहाँ पर मेरे पास मैंने नोट्स भी बनाई हुई है, ठीक है। तो मैकेनिक्स एंड फोर्स हिस्ट्री, मतलब ऐसे पाँचों के आपके जो 5 या 6 चैप्टर है, तो सारे चैप्टर्स की मेरे पास इस तरह से नोट है, 2-2 मार्क्स की। तो वही डेफिनेशन अगर आप पेपर में लिखेंगे तो पूरे मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वो सिंपल तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। और इसके नीचे फिर आपको और देखिए यहाँ पर इस तरह से नोट्स है, ठीक है। और यहाँ पर फिर इसके पीछे आपको IMP क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर में आपके प्रीवियस आए हुए, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, तो ये तीनों चीज़ आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ दोस्तों, क्वेश्चन पेपर, फिर उसके मॉडल आंसर पेपर और जो नोट्स है यहाँ पर फार्मूला नोट्स और फिर थ्योरी नोट्स, ये नोट्स आपको दूंगा। तो इस तीनों जो स्टडी मटेरियल है उससे आपको स्टडी करना है, फिर जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा उसमें से आपको क्या करना है, रिपीटेड क्वेश्चन छानने हैं, उनका ही स्टडी करना है, और फिर अगर कुछ टाइम बचा तो बाकी के जो क्वेश्चन है उनका भी स्टडी कर लीजिए। पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन का स्टडी आप अच्छे से कर लीजिए, जो 10 मार्क्स के लिए आते हैं, फिर 12 मार्क्स के लिए आते हैं, और फिर टाइम बचेगा तो न्यूमेरिकल कर लीजिए। इस तरह से अगर आप स्टडी करेंगे तो 100% आपके पास ही निकल जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर, मॉडल आंसर पेपर, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लगा है, बहुत सारे लोगों की मुझे मदद लेनी पड़ी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको 50 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो आपको 50 रुपीज़ का पेमेंट किस तरह से करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं फ़ोनपे का नंबर बता देता हूँ, फिर व्हाट्सअप नंबर भी बता देता हूँ, उस पर आपको 50 रुपीज़ का पेमेंट करना है। और जैसे भी पेमेंट होगा आपको स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना है, फिर आपका
ईमेल आईडी भेज देना है, उस पर मैं सारे क्वेश्चंस पेपर, मॉडल आंसर पेपर और नोट्स भेज दूंगा। वही आपको स्टडी करना है, बाकी दूसरा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि आप फेल होंगे तो बिल्कुल फेल नहीं होंगे, आपको जो मैं आपको चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो दोस्तों तो आज के वीडियो में मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। फिर जो अप्लाइड मैकेनिक्स और मैकेनिक्स तो हो गया, फिर मैथ वन या फिर मैथ टू, ठीक है, तो उनका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उनका भी स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वो भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो जल्दी से एक काम कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो सेव कर लीजिए, फिर उस पर हाई मैसेज भेजिए, फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, फिर आपको मैं स्टडी मटेरियल भेज देता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।